हमें और आपको चाहिए फोन में बहुत अच्छा कैमरा, डिजाइन, बैटरी लाइफ, साथ ही बहुत अच्छा प्रोसेसर। इसी को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है जिसका चारों तरफ चर्चा है। तो इस वीडियो में इस फोन के बारे में अच्छाई और बुराई के बारे में जानेंगे। तो जानने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो का लास्ट में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है। सो सबसे पहले बढ़ते हैं इसके डिज़ाइन की ओर। ये फ़ोन काफ़ी खूबसूरत है। इसके बिल्ड इन क्वालिटी की बात करें तो ये पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ है। इसका फ्रेम भी प्लास्टिक से बना है जिससे काफ़ी हल्का हो जाता है ये फ़ोन और दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। और साथ ही बता दूँ इसका जो बिल्ड इन क्वालिटी, इसके जो फ्रेम की बात करें तो ये काफ़ी घुमावदार होने के कारण ये बिल्ड इन क्वालिटी के साथ साथ इन हैंड फील भी बहुत अच्छा दिखता है और साथ ही धूप में अलग अलग एंगल से कलर भी चेंज होता है। और बात करते हैं डिजाइन के अलावा इसका डिस्प्ले को लेकर के, यहां पर आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलता है। साथ ही बता दूं पीपीआई की तो 413 पीपीआई के साथ ये फोन देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छा हो जाता है। साथ ही इसका टच फील को देखा जाए तो यहां पर 360 हर्ट्ज टच फील देखने को मिलेगा। इसका जो रिफ्रेश रेट है वो आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसका डिस्प्ले साइज को लेकर के, ये आपको 6.3 इंच का स्क्रीन साइज देखने को मिलेगा जो कि काफी कॉम्पैक्ट साइज आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसका परफॉर्मेंस को लेकर के, इसमें आपको स्नैपड्रैगन 695 6nm का प्रोसेसर के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी बात करते हैं इसके प्लेटफॉर्म को लेकर के, यहाँ पर वीवो का फन टच ओएस 13 के साथ साथ एंड्रॉयड का भी 13 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। रैम की बात करें तो यहाँ पर आपको 6GB रैम एंड 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड स्टोरेज UFS की बात करें तो 2.0 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड बाकी फीचर्स की बात करें तो बाकी फीचर्स इसमें आपको मिलता है वाईफाई 802.11, डुअल बैंड ब्लूटूथ, NFC, गोलोनेस, ये सारी चीज़ें इसमें, कुछ कुछ चीज़ें नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको बता दूँ जितने भी लेटेस्ट फीचर्स होते हैं सारा है, बट इसमें आपको दो चीज़ नहीं देखने को मिलेगा। जैसे पहला NFC एंड रेडियो नहीं देखने को मिलेगा इस वाले स्मार्टफोन में। अब बात करते हैं इसका कैमरा क्वालिटी को लेकर के कि क्या खास है। इसमें आपको बता दूँ कैमरे में आपको OIS दिखेगा जिससे कैमरा हिलता भी है या हाथ हिलता भी है फिर भी आपको फोटोज़ एंड वीडियो बहुत अच्छा आएंगे। साथ ही कैमरा क्वालिटी को और बेहतर बनाने के लिए इस फोन में आपको LED फ्लैश, HDR एंड पेनोरमा आपको साथ में मिल जाएगा। और कैमरे की रिकॉर्डिंग एंड फोटो इसमें देखा जाए तो आपको फुल HD होगा। अब नंबर की बात करें तो इसमें आपको 64 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल बैक साइड का कैमरा होगा। एंड फ्रंट की बात करें तो आपको 16 मेगापिक्सल, मैंने पहले ही बताया कि इससे आप फुल HD रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। अब बात करते हैं बैटरी लाइफ को लेकर के, इस वाले स्मार्टफोन में आपको 4500 mAh का बैटरी एंड 44 आवर का वोट का चार्जिंग आपको यहां पर देखने को मिलेगा। जहां तक कंपनी का दावा है कि 25 मिनट में 50% का चार्ज इसमें कर सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं कंप्लीट चार्ज होने में इस वाले स्मार्टफोन को 60 मिनट लगेगा, यानी एक घंटे के आसपास में लगेगा। अब बात करते हैं दोस्तों ये कौन से स्मार्टफोन है। ये आपको वीवो कंपनी का स्मार्टफोन है, बट इसमें बात करते हैं कि इसमें क्या डिमेरिट पॉइंट है, क्या इसमें मेजर प्रॉब्लम है। सबसे पहला तो बता दूँ इसमें आपको अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, इसमें आपको बुके मोड भी मात्र 2 मेगापिक्सल का है जिससे आप लो लाइट में या फिर नाइट में बहुत अच्छा फोटोग्राफी नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं इसमें 4K रिकॉर्डिंग का, तो इसमें आपको 4K रिकॉर्डिंग सपोर्टेबल नहीं है। जो लोग प्रोफेशनल फोटोग्राफी करना चाहते हैं इस फ़ोन को नहीं ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बात करते हैं इसका रिफ्रेश रेट को लेकर के, आपको बता दो जितने भी 15 से ऊपर के जितने स्मार्टफोन अभी आ रहे हैं जिसमें मोस्टली आपको देखा जा रहा है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, बट यहाँ पर सिर्फ आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल रहा है जो कि थोड़ा सा निराशाजनक है। बात करते हो प्राइसिंग को लेकर के, लास्ट में बताऊँगा कि ओवर प्राइस है या नहीं है, सो वीडियो में बने रहिएगा। बात करते हैं दोस्तों अब ये बारी है कि ये कौन सा स्मार्टफोन है। ये आपको वीवो कंपनी का T2 5G है और बता दूँ इसको कि कौन से व्यक्ति ले सकते हैं और कौन से नहीं ले सकते हैं। जो व्यक्ति इस फ़ोन को वही ले जो चाहते हैं कि बहुत अच्छा डिज़ाइन हो और अच्छा प्रोसेसर हो, साथ ही जो लोग माहिर है वीडियो देखने में और सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा चलाते हैं तो उनके लिए आप ये ले सकते हैं ये फ़ोन, यानी आप कह सकते हैं मल्टी टास्किंग वगैरह भी कर सकते हैं। अब इसको वो व्यक्ति नहीं ले
जो लोग स्पेशली गेमिंग के लिए फोन देख रहे हैं वो कभी इस फोन को ना ले। साथ ही बता दूं फोटोग्राफी भी स्पेशली करना चाहते हैं, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी, तो इस फोन को ना ले, क्योंकि इसमें आपको अल्ट्रा वाइड एंड नहीं है। और साथ ही बता दूं आपको बहुत कम मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा डेप्थ सेंसर कैमरा आपको इसमें देखने को मिलेगा। साथ ही बता दूं आपको NFC एंड आपको यहां पर रेडियो देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थे हमारे वीवो के T2 5G। ये फ़ोन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो के बारे में भी एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए